नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा इस वीडियो में आपको बताऊंगा घर के उन वास्तु दोषों के बारे में जिसके कारण परिवार के किसी सदस्य को प्रेत बाधा आती है या देवी देवता आते हैं, कोई जिन सवार हो जाते हैं जिसके कारण वो उन्मादी हो जाता है, दौड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं उसके। सामान्यतः देखने में आता है कि ऐसी जो प्रेत बाधा वाली बातें हैं ये गांव कस्बों में होती है, आदिवासी इलाकों में होती है, शहरी इलाकों में तो कम ही देखने को मिलती है। पर जहाँ भी ये होता है, जिस परिवार में इस तरह का कोई व्यक्ति है या कोई स्त्री है, तो उसके घर में नृत्य कोण में साउथ वेस्ट कॉर्नर में दोष होगा। और ये दोष इस प्रकार होता है कि उसके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर किसी प्रकार से नीचा होगा, पहली बात तो। दूसरा, वो नीचा यदि कोई ऊंचाई पे मकान है, ये कोना नीचा हो रहा है, या कस्बा है बाहर आगे इधर कोई तालाब है छोटा सा, या छोटा पौंड बना हुआ है, घर का दरवाज़ा इसका इन्हीं दिशाओं में होगा, पश्चिम में हो सकता है दरवाज़ा, या दक्षिण नृत्य में दरवाज़ा हो सकता है, या कोई रोड आकर इसके घर को टकरा रही होगी, या इधर से कोई रोड टकरा रही होगी। यदि पश्चिम में है तो घर के पुरुष के साथ ऐसा हो रहा होगा, और दक्षिण में तो घर की स्त्री के साथ ऐसा हो रहा होगा। दोस्तों, यदि किसी घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस चीज़ से परेशान है, उसके घर में यहीं पर कहीं दोष होगा, उस दोष को दूर करिए, निश्चित उसे राहत हो जाए, मिल जाएगी, और उसका जो भूत प्रेत आते हो आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें जो बेल बनी उसे दबाएँ।